है मन सही है ना हाजी, सर? ठीक है हाँ मन हाजी ही, ये कौन है? हाजी रमिन आमिनतु, ये आमिना है। चलो आगे बढ़ो। आमिना वमिन तिलका, ये मिन है या मन और है? वो कौन है? यस ये मिन पढ़ेंगे या मन सर, पढ़ेंगे? ये मन पढ़ेंगे या मिन पढ़ेंगे? कोशिश करो जानने। सर मन हाँ पढ़ेंगे। मन पढ़े, मन और वो कौन है? ये तिलका किसके लिए आता है? इस्मु इशारा लिल बईद मोनस। तिलका वो कौन है, और वो कौन है? हाँ ठीक ठंडियों है। की, यार ठंडियों में दर्द होता है, बहुत ठंड हो रही तिलका होता फातिमा तू, इलाज है। हाँ वो तिलका फात, फातिमा है। वो फातिमा है। ठीक है, चीज फातिमा। ठीक है पढ़ो। आदि तबीबत वतिल, ये डॉक्टर है और वो मरीज है, नहीं, दोनों लेडी है। सॉरी हाजी सर, ही तबीबतुन, ये डॉक्टर है, तबीबत फीमेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, वतिलका मुमर्रिजतुन, मुमर्रिदतुन, डॉक्टर और वो नर्स है। और वो मुमर्रिदतुन मरीज है। नहीं, नर्स है, नर्स। मुमर्रिदतुन वो मरीज होता है। ये मुमर्रिज नर्स को मुमर, कहते हैं सर। ये मुमर्रिदतुन है, मुमर्रिदतुन। ठीक अच्छा, है, ये नर्स है मुमर्रिज और ये फीमेल नर्स है। ठीक है, मुमर्रिदतुन। ठीक है, हाजी ठीक है सर, लिख लेता हूँ उसे। मुमर्रिज तबीबतुन लिख लो, व तिलका और वो मुमर्रिदतुन, वो नर्स है। ठीक है चलो नेक्स्ट वाला। अरशान पढ़ो तुम यहाँ से। हाजी ही मिनल हिंदी व तिलका मिनल याबानी। क्या मतलब? ये इंडिया से है और वो जापान से। ठीक हाजी ही तवीलतुन व तिलका कसीरतुन। ये क्या जी? हाज ही तवीलतुन वतिलका कसीरतुन, ये लंबा है लंबी सलो, है। और वो ये शॉर्ट। शॉर्ट, तवीलतुन लंबी, टॉल, और ये फीमेल के बारे में बात हो रही है। हाँ जी ही तवीलतुन। ठीक है, ये जो है इसकी हाइट जो है लंबी है। वतिलका कसीरतुन, और उसकी छोटी। ठीक है, ये तवीलतुन ताए मरबूता है, तो उसका मतलब फीमेल के बारे में बात हो। ठीक है, कसीरतुन शॉर्ट, तवीलतुन टॉल। नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट छोड़ो, नेक्स्ट। आवाज नहीं आ रही शायद इसकी। चलो जैद तुम हो, जैद अदान तुम पढ़ो। प्रशांत अदान, हाजा हाँ ठीक है, मन हाजा। मन हाँ हाजा हाँ हाजा हामिदुन, ये कौन है? ये हामिद है। वमन ठीक है, नेक्स्ट। जालिका, और वो कौन है? जालिका अलीयुन, वो अली है। तिलका दजाजतुन, क्या ये मुर्गी है? ला तिलका बत्तखुन, नहीं ये तो बत्तख, वो तो बत्तख है। हाँ, दज्जाजतुन चिकन, मुर्गी व तिलका बत्तातुन डक। ठीक नेक्स्ट। सर। माँ तिलका वो क्या है? तिलका बैदा, बैदतुन, तिलका वो अंडा है। बैदतुन अंडा, एग, बैदतुन एग, अंडा अंडा। एग। ठीक है नेक्स्ट। हाजा सय्यारतुल मुदर्रिसी व तिलका सय्यारतुल मुदीरी। हाँ जी ही ये सय्यारतुल मुदर्रिस व तिलका सय्यारतुल मुदीरी। कार टीचर की है और वो कार हेडमास्टर की है। नेक्स्ट। असाअतु अब्बासिन हाजी, क्या ये घड़ी अब्बास की है? ला हाजी साअतु क्या ये हामिदिन, घड़ी अब्बास के लिए है?
असातु अब्बासिन हाजी ही, यहाँ पे ली नहीं है तो असातु अब्बासिन मुदाब मुदाफिल है, हमजतुल इस्तफाम, अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, ये हमजतुल इस्तफाम क्या अब्बास की घड़ी है ये, तो क्या ये अब्बास की घड़ी है, असातु अब्बासिन हाजी ही, ठीक है, क्या ये अब्बास की घड़ी है, अगर क्या ये घड़ी अब्बास के लिए है तो ली अब्बासिन होता, ठीक है, तो ये मुदाफ है और ये मुदाफ नहीं है, असातु अब्बासिन हाजी ही, ठीक है सर, नेक्स्ट पढ़ो, ला हाजी ही सातु हामिदिन, नहीं ये तो हामिद की घड़ी है, तिल का सातु अब्बासिन, वो अब्बास की घड़ी है, वो घड़ी, ठीक है, नेक्स्ट, जालिका दीकुन व तिल का दजाजतुन, वो एक मुर्गा है और वो एक मुर्गी है, हाँ, जालिका दीकुन मुर्गा व तिल का दजाजतुन मुर्गी, तमारीन, जब से तमारीन करेंगे, इकरा वक्त, पढ़ो और लिखो, चलो नासिर भाई पढ़ो, अस्सलाम वालेकुम, नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम, नासिर भाई, ठीक है भाई, आवाज नहीं आ रही नासिर भाई, चलो भाई जवाद भाई आओ, ये अरशान तुम आओ, ठीक है, अरशान आओ, आवाज आ रही है, आज ही, हाँ पढ़ो, आज ही मदरसतु मुतलका जामियातु, ये स्कूल है और वो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, नेक्स्ट, अज़ालिका मस्जिद, क्या ये मस्जिद है, ला तिलका मदरसतु, नहीं वो मस्जिद है, हाज़िही मदरसतु व तिलका तालिबतु, ये स्कूल है और वो स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट है, ठीक है, फीमेल स्टूडेंट, हाँ नवीन भाई आवाज आ रही है, हाँ अब आ रही है आवाज, पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है, हाँ ये पढ़िए, हाजा बैतुल मुअज्जनी, हाँ वतलका हदीफतु ताजिर, ताजिरी, ये बताओ जी क्या है, ताजिरी, हाँ मुअज्जनी क्या है और हदीफती, हदीकती कौन बताएगा जी, मुअज्जिन बताए नासिर भाई, हाजल बैतुल, इसको लाइट को वो करिए, आपका नीचे दिखाई नहीं दी जा रही, आप आपका आ रहा है, आप आ रहे हैं, अब आ रही है, नहीं नहीं स्लाइड नहीं आ रही, अब आ रही स्लाइड, जहाँ पहले तस्वीर आती थी वहाँ स्लाइड आ रही है, जहाँ स्लाइड आती थी वहाँ आप आ रहे हैं, अच्छा मुझे पता नहीं लगा, ये स्लाइड नजर आ रही है, यस सर, नासिर स्लाइड नजर आ रही है, ये अच्छा, ये कौन, मेरे पास है किताब है, मैं किताब में से देख लेता हूँ कौन से पेज पे है, ये पेज नंबर 30 पे, हाँ पेज नंबर, पेज नंबर 38 पेज 30 नंबर पे, ये है हाजा मदर मदर मदरसाती, यही ना, हाजा बैतुल मुअज्जिनी, हाँ है ये 41 40 पे, 40 पे, सॉरी 40 पे, हाँ आधा मदरसा तू व तिलका जामिया तू, नहीं उसके आगे अगला वाला है, लेसन नंबर 7, अच्छा जा आधा मदरसा तू व तिलका तालाब तू, नहीं आधा बैतुल मुअज्जिनी, आधा बैतुल मुअज्जिन, हाँ तिलका हकीकत तू ताजिर, हाँ यही है हदीफत ताजिरी, हाँ ये जो आधा ये बैत है मुअज्जिन का, हाँ और वो तिलका हकीकतुल ये ताजिर का क्या है, ये हकीकतुल बैग, हदीकतुल कौन बताएगा, हदीकतुल हकीकत वो ना बैग, नहीं वो हकीबतुल होता है, वो हकीबतुल है, हदी है, दाल है यहाँ पे, अदनान तुम,
रियान सर ये नहीं आता रियान हदीकतुल गार्डन गार्डन ठीक है बाग ये मुअज्जिन का घर है बैतुल मुअज्जिनी और वो गार्डन है बिजनेसमैन का ठीक है चलो जी जैद पढ़ो इसे यस सर आ गया पढ़ो जी नेक्स्ट वाला ये नसीब है पढ़े जरा पढ़िए ये वाला जालिका अम्मार अम्मार नहीं अम्मार है अम्मार नहीं 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 सही से पढ़े जालिका अम्मार व तिलका बकरा ये घदा है अच्छा आपकी बुक में कुछ और है नासिर भाई यह है जालिका हिमारुन व तिल हाँ ठीक है ये हमार नहीं है हिमार है हिमारुन हिमारुन हाँ हिमार तो गधा हो गया ना हाँ गधा हो गया हाँ व तिलका बकरा हाँ वो जो है गाय है जी जज़ाकअल्लाह खैर सही ठीक है जालिका हिमारुन व तिलका बकरतुन वो हिमार है गधा है और वो और वो गाय ऊट हाँ हाँ जमन ऊँट वो प्रेस नहीं कौन बताएगा जी ये अदनान सर ऊपर वाले में क्या था हिमार क्या था सर जालिका हिमारुन ये है नकातुन वो वो बिल्ली नहीं है वो तो किस है मेरे ख्याल में बिल्ली तो जालिका हिमारुन तो थी गधा और बकरतुन है गाय और हाजा जमलुन ऊंट है और तिलका नाकतुन पे हम रुक गए नाकतुन क्या है ये बताएगा जैद जैद सर जमलुन क्या है जमलुन ऊंट रियान जी सर बताओ सो मत तुम बताओ ना खातून दिमाग में तो आ रहा है बताया था मैंने हाँ हाँ आपने बताया था हाँ क्या है जैद क्या ऊटनी ऊटनी हाँ हाँ ना खातून अल्लाह की ऊटनी ठीक है चलो जी ये कैमल है और वो शी कैमल है हाँ हाला क्लब वजाली का ये कुत्ता है और वो बिल्ली है हाजा कल्बुन वजाली का कुत्तुन कल्बुन कुत्ता और वो बिल्ली बिल्ली अभी देखिए जी ये कह रहे हैं इज़राइल कलिमातिल आतिया बिस्मी इशारतिल बाईद इसके अंदर तुम्हें जालिका या तिलका लगाना है इसमें कहाँ जालिका आएगा कहाँ तिलका आएगा ठीक है जी पहले वाले में बताओ क्या आएगा जालिका या तिलका मुझसे पूछ रहा हूँ हाँ आपसे पूछ रहा हूँ क्या क्या कहाँ पर यहाँ पे दूसरे वाले एक सेट पे दूसरे नंबर में उम्मा में हाँ उम्मुन उम्मुन हाजी भी आ सकता है नहीं जालिका तिलका में से अदनान क्या आएगा जालिका में तिलका आएगा तिलका ठीक है तिलका तिलका आएगा यहाँ पे नेक्स्ट पे अबुन पे हाँ हाजा तिलका भी आ सकता है हाजा भी आ सकता नहीं, है नहीं जालिका तिलका में से एक लगाना है हमें जालिका जालिका ठीक है जी नेक्स्ट में कलमुन कलमुन जालिका भी जालिका कलमुन तिलका कलमुन भी आ सकता है नहीं नहीं तिलका नहीं आएगा तिलका मोनस के लिए आता है मोनस के लिए आता है सर मुफरद मुफरद के लिए आदि ही जवाब आवाज कर दिए दोबारा मुझे तिलका आता है इशारा इसमें इशारा लिल बईद लिल मुअन्नसी इसमें इशारा हाँ सर लिल मुज़क्करी ठीक है
है, मिला खतून पे क्या आएगा? हाँ, यही बोलता हूँ मैं, मिला खतून। हाँ, मिला खतून किसमें? मिला खतून इसमें हाजी आएगा, हाजा आएगा? नहीं नहीं, जाली का तिलका में से बताना है। अच्छा, जाली का। हाँ, इसमें आएगा आपका जाली का, जाली का, जाली का आएगा। क्यों आएगा जाली का? जाली का आएगा ना, जाली का, ये चमचा है ना, इसके आगे क्या लगा देखो, जाली का नहीं आएगा इसमें? नहीं, क्यों आएगा जाली का? ये मोनस है, मुजक्कर है, ये मोनस है। तो मोनस के आगे क्या आता है? हाँ, तिलका आएगा, मोनस के आगे तिलका आएगा, ता लगा हुआ है ना, जाली का, तिलका आएगा, मोनस है ना, तो तिलका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला नासिर भाई। अमीनुन, आइनुन, आइनुन, आइनुन। सर कॉल बार बार कट रही है और बार बार कनेक्ट हो रही है अपने आप। एनुन में भी तिलका ही आएगा जी? हाँ, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ। एनुन में भी तिलका ही आएगा शायद। ठीक है सर, ओके, ठीक है। एनुन में भी, क्योंकि ये भी फीमेल है ना, एन आंख भी मुजक्कर है। ठीक है, मोनस है, आइनुन मोनस है ना, एन तो इसमें तिलका ही आएगा। नेक्स्ट वाला नासिर भाई। हिजरुन, हजरुन, हजरुन, ये इसमें आएगा जाली का। ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर। चलो सर, ये क्या होता है? हजरुन पत्थर, हजरुन पत्थर, पत्थर, ये मोनस है ना, मुजक्कर है, मुजक्कर है, हजरुन पत्थर। आइनुन, आइनुन आंखें, मिला खतून चम्मच, ये तो मोनस है सर, आइनुन। ठीक, अच्छा, एग्जाम में इससे भी आएगा क्या? नहीं, बस पहले तक ही आएगा, 15 तक, इसमें नहीं आएगा। अच्छा, और एक तरह मुझे बाद में पूछूंगा, तो क्लास के बाद दो बातें आपसे। ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए अदनान भाई आइए। जी सर, आदान पढ़ो। जाली का कमीसुन। कमीसुन शर्ट। जाली का किद्रुन। किद्रुन क्या है? पॉट। पॉट, ठीक है जी, पॉट। हाँ जी, नेक्स्ट। तिल का ना ना फिजतु। ना फिजतुन, तिल का ना फिजतुन, ना फिजतुन क्या है? तिल का ना फिजतुन, नाफिजतुन क्या बताया? बताइए, आप बताइए। विंडो, नहीं, तिलका नाफिजतुन नासिर भाई। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट पढ़ो। नाफिजतुन आएगा तो कहते हैं क्या? तिलका बकरतुन। तिलका, तिलका नाफिजतुन कहते हैं विंडो को, खिड़की को। हाँ, खिड़की को। किसको? खिड़की, विंडो, विंडो, विंडो। आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, विंडो नाफिजा तुम लोग। क्या हो गया? ऐलान किया तुम्हारे पास तो बात की खबरें कौन लाए? ठीक है जी, बकरतुन। तिलका बकरतुन, तिलका बकरतुन। नेक्स्ट बोलो जवाब। जालिका मक्तबुन। जालिका मक्तबुन क्या है? टेबल। टेबल, नेक्स्ट। सर तिलका आएगा यहाँ पे, लेकिन ये नहीं पता ये होता क्या। नाकतुन, नाकतुन अभी पढ़ा था, नाकतुन, नाकतुन क्या है? अभी पढ़ा था ना, शी कैमल, ऊटनी। अच्छा हाँ, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट पढ़ो। मुहंदिसुन, जालिका मुहंदिसुन, इंजीनियर। नेक्स्ट पढ़ो। मुअज्जिनुन, जालिका मुअज्जिनुन, 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 जालिका मुअज्जिन। मुअज्जिन कौन होता है? जालिका मुअज्जिदुन। मुअज्जिन कौन होता है? मुअज्जिन जो अजान देने वाला। ठीक है जी, नेक्स्ट। तिलका मुमर्रिदतुन, नर्स। नर्स,
ठीक है जी, नेक्स्ट जालिका शरीरुन, ठीक है, बेड बेड, नेक्स्ट जालिका हदीकतुन गार्डन, हदीकतुन या तिलका हदीकतुन, तिलका हदीकतुन सॉरी, तिलका हदीकतुन गार्डन, ठीक है गार्डन, नेक्स्ट तिलका तालिबतुन, नेक्स्ट जालिका जमलुन, जमलुन जमलुन जमलुन, ठीक है जमल कैमल, कैमल, नेक्स्ट तिलका बत्तखतुन, बत्तख बत्तखतुन, बत्तख, ये नए वर्ड है, अल कलिमातुल जदीदतु मुमर्रिदतु क्या है, नर्स, हदीकतु अल हदीकतु गार्डन, द गार्डन, अल बत्तु बत्तख, द डक, अल मुअज्जिनु अजान देने वाला मुअज्जिन, द कॉलर, अन्नाफी अन्नाकतु अन्नाकतु कैमल, कैमल फीमेल, ऊंटनी ऊंटनी ऊंटनी, अल नासिब अल बैदतु, अजी आजकल खूब खा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, अंडा, अच्छा अंडा, अभी देख लीजिए ये है अस्माइल, अस्माइल इशारती लिल करीबी, अस्माइल इशारती लिल करीबी होते हैं हाजा और हाजी, हाजा मोहम्मद, ये मोहम्मद है, हाजी आमिना, तो वो आमिना है, अस्माइल इशारती लिल बईदी जालिका तिलका, जालिका वो हामिद है, तिलका जैनब, ये वो जैनब है, ये कोर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह में खत्म हो गया, यहाँ तक आएगा नासिर भाई, यहाँ तक यहाँ पढ़ाया ना, यहाँ तक इसमें से यहाँ पर भी आएगा और उसमें से भी आएगा, 15 में से भी, वो 15 मॉड्यूल, 15 मॉड्यूल में, 15 मॉड्यूल जो है ना इसी बुक के, जो 15 मॉड्यूल है ना वो इसी बुक की है, तो अगर आपको, मुझे ये बताओ आपने वो वाला जो दी है, जो आपने जो हाँ बोलो आपने जो सिलेबस, जो किताब पढ़ाई है उसमें से आएगा या इसमें से आएगा दुरुसुल अरबिया में से, जो मैंने आपको जो दो किताबें पढ़ाई है ना आपने, एक तो ग्रामर की पढ़ाई है, एक तो ग्रामर की जो आपने कल कंप्लीट कराई है उसमें से आएगा या इसमें से आएगा दुरुसुल अरबिया में से, देखिए जो ग्रामर की मैंने जो स्लाइड दी है ना आपको, 15 स्लाइड है, हाँ हाँ, वो सारी इसी की एक्सप्लेनेशन है, मतलब जैसे इसमें बत्तखतुन का मतलब उसमें लिखा हुआ है, सर वो चैप्टर से एक तरीके से, और ये पूरी उनकी एक्सरसाइज है प्रैक्टिस के लिए, हाँ, ये एक्सरसाइज है प्रैक्टिस के लिए और वो समझने के लिए, तो अगर तो दोनों एक ही चीज है, तो हाँ दोनों एक ही चीज है, वो उसकी एक्सप्लेनेशन है, आपको अगर चीजें सबके मतलब इसके बुक पढ़ लें आप पूरी, ये इतने पेज, ये तो ये इसमें 8 तक है, 8 दरस्त तक है और वो 15, अच्छा ये नकारा और मारफा से मेरे ध्यान से निकल रहा है जरा, अल मारफा वो होता है जिसमें अल लगा होता है और नकेरा वो होता है जिसमें दो तनवीन लगी होती है, दो जबर दो जेर दो पेश लगी होंगी, अच्छा अच्छा वो ध्यान से मेरे आय मेरा देखिए ये पूछना था आपसे और कुछ, अल इसमें नकार जिसमें अल नकारा में नकेरा में दो जबर दो जेर दो पेश होते हैं और वो कोई भी होता है कॉमन नाउन और मारफा के, अच्छा नकेरा में हाँ तनवीन लगी भी होती है नकेरा में, हाँ नकेरा में तनवीन लगी होती है और इसका मतलब होता और... है आ आ मतलब जैसे मैं बोलता हूँ ना हदीकतुन आ गार्डन, अगर मैं बोलूंगा अल हदीकतु तो दा गार्डन हो जाएगा, तो अल जो स्पेशल के लिए आता है, अल तो खास के लिए हो गया ना, खास के लिए आता है, और जो तनवीन जिसमें लगेगी उसको नकेरा कहेंगे, बस ये हाँ उसको नकेरा कहेंगे, जो तनवीन दिन में दो तनवीन होगी उसको नकेरा को कहेंगे, हाँ। एक और था चले फिर मैं फोन पे पूछ लूंगा, याद कर लिए जब तक अभी 4-5 मिनट है, तुम्हें कुछ पूछना है सर, हमने ये तक ही चैप्टर करे थे ना क्लास के अंदर भी सर, हाँ हुर्फे कमरी और हुर्फे शमसी बता दीजिए एक बार, हुर्फे कमरी और हुर्फे शमसी,
ये वीडियो में है सर आपकी, उसमें ये वीडियो के अंदर है। अच्छा अदनान, यस सर, उर्फे कमरी उर्फे शमसी समझाओ उनको जल्दी से। सर उर्फे कमरी जो होते हैं, अगर उनसे पहले अल आता है तो हम उसे पढ़ते हैं, मगर अगर उर्फे शमसी से पहले अल आता है तो हम लाम नहीं पढ़ते, हम अलिफ को मतलब हमजा को उस वर्ड के साथ मिलाते हैं। जैसे अत्ताजीरु, ये हमसे शमशी हो गया, हाँ अल बाबू ये वो हो गया, कमरी कमरी। जैसे ये शमशी में असूबू, तो ये तो इनके इसमें अल नहीं पढ़ा जाएगा, असूबू पढ़ा जाएगा क्या? हाँ असूबू पढ़ा जाएगा। अच्छा अज़हाबू, अज़हाबू जो है ये उर्फ़े शमशी हो गया। अच्छा इसमें अस पढ़ा जाएगा, अल नहीं पढ़ा जाएगा, अल नहीं पढ़ा जाएगा। लिखा हुआ तो है, अलिफ तो है, हम लिखा हुआ तो है ये अज़हाबू। सब पता कैसे चले? ये देखो जवाब, ये देखो, ये तुम्हें पता है, ये देखो अल हुरूफ कमरिया वल हुरूफ शमसिया। अल हुरूफ कमरी, ये सारे जो लेटर्स है ना, ये सारे लेटर्स जो हैं, ये कमरी लेटर्स हैं। अलिफ बा जीम हा खा आयन गैन फा काफ काफ मीम वाव हा या, ये सारे लेटर क्या हैं? ये सारे के सारे लेटर कमरी लेटर हैं। तो ये कमरी लेटर आता है, इसके बाद अल आता है, तो अल अबू पढ़ते हैं, अल बाबू पढ़ते हैं। तो कमरी लेटर पे हम क्या करते हैं, कमरी लेटर पे हम दूसरे वाले वर्ड के ऊपर सुकून लगा देते हैं ऐसे। देखो अल हमारू अल खबरू, नम सॉरी सर, सुकून की आवाज मतलब ये किस चीज के लिए, एक तरीके से इसकी आवाज क्या होती है सर सुकून की? हम अल पढ़ते हैं हुर्फे कमरी में, अल पढ़ते हैं अल। अच्छा, तो उसी की पहचान है। हाँ अल, ये लेटर जहाँ पे आएंगे ना, ये लेटर जो है, ये 14 लेटर जो है, ये सारे कमरी लेटर है। अल यदू अल हवा उ, सर कौन सा सफा पे है? सफा नंबर 19। हाँ ये देखो 19 में है, वीडियो में भी है, वीडियो में भी बनी, जो मैंने 15 वीडियो भेजी थी उसके अंदर आखिरी में है, 5 मिनट की वीडियो देख लेना। और ठीक है, 5 मिनट की वीडियो में समझाया कमरी शमसी क्या होते हैं। अच्छा ये शमसी लेटर है। अब शमसी लेटर पे क्या होता है, शमसी लेटर पे हम नाम पे कुछ नहीं लगाते, अगले वाले वर्ड पे हम शद्दा लगा देते हैं। तो कुरान में तुम पढ़ते हो इसको, क्या पढ़ोगे, पढ़ो इसको अत्ताजिरु, अत्ताजिरु। तुम इसको अल्ताजिरु नहीं पढ़ोगे ना? नो सर। क्यों नहीं पढ़ोगे? क्योंकि ये हुरुफ शमसिया है, ठीक है, हुरुफ शमसिया को नहीं पढ़ो, ये पढ़ो, ठीक है सर, ये पढ़ो असौबु, हाँ ये पढ़ो अद्दीकु, 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 हाँ ये पढ़ो अद्दहबु। हाँ तो शमसिया लेटर पे हम क्या करते हैं, हम शमसिया लेटर पे हम ये लगा देते हैं, तस्दीद लगा देते हैं, अल पे नहीं पढ़ते। जो कमरी लेटर होता है शद्दा लगा देते हैं, शद्दा लगा देते हैं। और कमरी लेटर पे दूसरे वाले लाम के ऊपर क्या लगाते हैं, लाम के ऊपर हम सुकून लगा देते हैं। पढ़ो इसको, पढ़ो अल बाबू अल अल हन अल जन्नतु, हाँ अल हिमारु, हाँ अल खुब्जु, अल खुब्जु क्या होता है, रोटी कहते हैं शायद, ब्रेड को कहते हैं, ठीक है, रोटी को कहते हैं ना, रोटी को, हाँ रोटी को। अल आइनू आँख, अल गदाऊ लंच, अल फमू माउथ, अल कमरू मून, अल कल्बू कुत्ता, अल माऊ पानी, अल गदाऊ लंच लंच, अल वलदू बेटा, अल हवाऊ हवा, अल यदू हैंड। और तुम्हें कुछ पूछना है अदनान? नहीं सर। तो पेपर कल है क्या? कल है, कल है, कल सारा दिन में, जब आपके पास डेढ़ दो घंटे का टाइम हो, अपना डेढ़ घंटे एक दिन और बढ़ा लो, मैं कल लगा दूंगा। अच्छा हाँ चलो फिर हम सुन, ठीक है एक दिन और लगा दीजिएगा, ट्यूसडे को करूँ? हाँ ट्यूसडे करूँ। हाँ ट्यूसडे, हाँ जरा एक दिन ज्यादा, ये पूरे पढ़ लेंगे ना एक दिन में, और आराम से, ठीक है आराम से पढ़ लो। तो कल नहीं ट्यूसडे को देना पेपर फिर, ठीक है सब लोग, इन क्लास में हम अगला लेसन करेंगे, और पेपर के लिए तुम पढ़ लेना, कल क्लास तो होगी ना? हाँ क्लास तो होगी, पेपर के लिए तुम पढ़ लेना, और इंशाल्लाह जो पूछना हो कल पूछ लेना, तो ट्यूसडे को पेपर दे देना,
ठीक है ना। हाँ मतलब मैसेज ना कि अब जब आए तो एकदम देते चले जाए। हाँ मैंने तो पुराने पेपर दिए सारे कल बैठ के, सारे दिए ना। हाँ तो बस पुराने पेपर में से आना है। कल वो सारे जितने थे ना 14-15 जितने 14 पेपर है ना, 13 13 जितने भी पेपर आए हुए ना सर, एक बार उनका लिंक भेज दीजिएगा, क्योंकि मैंने शायद 9, 10, 11, 12 से ज्वाइन करा था। अच्छा ठीक है, मैं सारे सारे मैं टेस्ट मैंने 9 से तो 1 से लेके 8 तक वाले तो भेज ही दिएगा आप। तुम जैसे ही गूगल पे जाओगे ना, बाकी ग्रुप पे है, मैं दिखाता हूं तुम्हें। तुम जैसे गूगल पे जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम जैसे गूगल पे जाओगे तुम वहां पे सर ऑनलाइन पढ़े हुए हैं। हां ऑनलाइन पढ़े हुए हैं। तुम क्या करना, वहां पे लिखना हाउस ऑफ अर्कम, और हाउस ऑफ अर्कम में तुम में स्पेस मत देना, ठीक है। ये 150 ये 50 वाला भी वहीं से निकाल लेंगे सब। सब वहीं से निकाल, 50 वाला तो उसी एक ही बार कर पाएंगे। आप तरकीब ना बताओ। नहीं 50 मैं तो निकाल ही लूंगा, मैंने मेरी वेबसाइट है उसमें से नहीं निकाल पाओगे। 50 वाला तो अभी बना चीटिंग नहीं हो रही, पेपर लीक नहीं हो रही है। पेपर लीक हो नहीं सकता, वो जब आप अटेम्प्ट करोगे तो दूसरा अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, वो तो इतनी जल्दी जल्दी हो जाता है, 3-4 मिनट में हो जाता है। ये देखो ये आप यहाँ पे आए ना, हाउस ऑफ अर्कम यहाँ पे बगैर उसके यहाँ पे आप आओगे तो ये ऊपर ही आ जाएगा हाउस ऑफ अर्कम। ठीक है, बस इसमें तुम्हें क्लिक करना है यहाँ पे, और तुम्हें यहाँ पे सारे पेपर तुम्हें दिख जाएंगे सर, 12, 13 ठीक है, 13, 11 ये रहा। ठीक है सर, सारे कर लूंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है, ये सारे